ओके हाँ, वेट और मास में डिफरेंस बता रहा था ना, समझ में आ गया। क्या कोई डिफरेंस है, बोलो बोलो, क्या कोई डिफरेंस है वेट में और मास में, है ना? एटॉमिक वेट में है क्या, एटॉमिक का मास कहें या वेट कहें, कोई फ़र्क है क्या, है ना? बिल्कुल सही। तो हम लोगों ने एटॉमिक मास देख लिया था और समझ भी लिया था। अब अपन चालू करते हैं, एटॉमिक मास को एक तरफ से और भी डिफाइन कर सकते हैं हम, इसे हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, और जिसे सुविधा से लिखेंगे हम राम। ठीक है, बार बार लिखना पड़ेगा आपको रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, है ना? चलिए देखिए हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। एक होता है डायरेक्ट मेजरमेंट और एक होता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं क्रिकेट अच्छा खेलता हूँ तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कितना अच्छा खेलते हैं, कितना बुरा खेलते हैं, है ना, खेलते भी हैं कि नहीं खेलते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं विराट कोहली से भी अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ, ये नहीं हो सकता। आपके दिमाग में एक ही बात आ गई, है ना? यानी कि आपने कंपैरिजन कर लिया, बोला सर ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो दैट्स वाई एटम्स में भी हमें ज़रूरत पड़ती है। इसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट मेजरमेंट, है ना? क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तो ज़रा समझिएगा, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट नहीं, क्वाइट इम्पॉसिबल, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्ट वेट ऑफ एनी एटम। किसी भी एटम का एग्जैक्ट वेट निकालना बहुत मुश्किल काम है। क्यों? एक तो एटम पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि एटम मोस्ट ऑफ द टाइम कंबाइंड होगा, इंडिविजुअल एटम्स एग्जिस्ट करेंगे नहीं। अगर आपने निकाल भी लिया एटम को, अलग कर भी लिया, तो एटम में न्यूक्लियस के बाहर कौन मौजूद होगा? लेकिन हम जो ऐसा डायग्राम बना रहे होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से नहीं होता, वो क्लाउड के फॉर्म में होता है। तो एग्जैक्ट सेपरेशन कर पाना कि इस सर्किल में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिल रहा होगा, ये मुश्किल है। एक्चुअली वो ऐसा स्प्रेड होगा, तो सेपरेशन ही नहीं कर पाएंगे कि कहाँ तक सेपरेट करें। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? इलेक्ट्रॉन इस तरीके से सिस्टमेटिकली नहीं होते, हम समझने के लिए बता रहे होते हैं। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, है ना? जैसे ऐसा भी कह सकते हैं, जैसे भूत प्रेत दिखाई तो नहीं देते लेकिन फील होते हैं, जस्ट लाइक दैट इलेक्ट्रॉन भी एग्जैक्टली मिलते तो नहीं है, फील होते हैं। हम गेस करते हैं कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना ज़्यादा होगी। आगे चल के आपको मालूम चलेगा कि दैट्स वाई दो वर्ड्स आती है, एक ऑर्बिटल और एक ऑर्बिट। ऑर्बिट इज द सर्कुलर पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन रोटेट्स, ऑर्बिट इज द सर्कुलर पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन रोटेट्स, वाइल ऑर्बिटल इज द प्रोबेबिलिटी इन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी एरिया इन विच इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम। वैसा छोटा सा एरिया जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज्यादा है। जैसे इस बात को हम समझाते हैं, मान लीजिए कि ये है आपका कोचिंग और ये है आपका घर, इसका नाम रख देते हैं घर और इसका नाम रख देते हैं कोचिंग, है ना? आपके पाए जाने की संभावना या तो कोचिंग में है या तो घर में है, बोलिए। तो ये आपका पाथ हुआ ना। अब अगर आप कोचिंग में नहीं मिले तो कहां मिलने चाहिए थे? घर में नहीं मिले तो इलेक्ट्रॉन के भी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो आगे आप देखेंगे एस ऑर्बिटल का शेप सर्कुलर होता है, पी का डंबल होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से घूम रहे होंगे। इसमें कहां पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा कहना मुश्किल है। तो हम प्लेस गेस करते हैं भाई साहब कि यहां पर हो सकता है कि मिल जाए तुम्हें, एग्जैक्टली मिलता नहीं है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अब जब एग्जैक्टली मिल ही नहीं रहा है तो हम रेडियस कहां से मेजर कर लेंगे, वेट कहां से मेजर कर पाएंगे एग्जैक्टली? क्या मेरी बात आपको समझ में आई, है ना? इसीलिए लिखा है मैंने, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्ट वेट ऑफ एनी एटम, है ना, ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस की वजह से आप एग्जैक्ट वेट डिटरमाइन नहीं कर सकते।
ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस. पहला, एटम्स यूजुअली डू नॉट एग्जिस्ट इन सेपरेट फॉर्म. जैसे अगर मैं हाइड्रोजन एटम को पकड़ूंगा तो हाइड्रोजन एटम कैसे फॉर्म में मिलेगा? अब यहां पे दो एटम है तो मुझे दो एटम का मास मेजर करना पड़ेगा. क्या मेरी बात आपको समझ में आया? जैसे अगर मुझे मास निकालना है एट ऑक्सीजन का, तो मुझे ऑक्सीजन अकेले मिलेगा तब ना मेजर करूंगा. तो ऑक्सीजन अकेले थोड़ी मिलता है, वो कैसा मिलता है? तो पहला प्रॉब्लम तो ये कि एटम्स यूजुअली डू नॉट एग्जिस्ट इन सेपरेट फॉर्म. दूसरा बात, देयर इज नो कंप्लीट सेपरेशन. देयर इज नो कंप्लीट सेपरेशन और रीजन ऑफ एनी एटम. किसी भी एटम का कोई सेपरेट रीजन नहीं होगा. मैंने बताया क्यों, क्योंकि एटम में भाई साहब न्यूक्लियस भी होगा और इलेक्ट्रॉन भी होगा, और इलेक्ट्रॉन के तो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं. हम तो मास तब अच्छे से मेजर कर पाते ना जब ऐसा होता कि इलेक्ट्रॉन यहीं पाया जाएगा. अब इलेक्ट्रॉन कह रहा है कि नहीं, मैं यहां मिलूंगा ही नहीं, मैं तो क्लाउड के फॉर्म में मिलूंगा. ऐसे तो कंप्लीट एग्जैक्टली तो मैं निकाल ही नहीं सकता. अगर मान लीजिए मैंने यहां पे लिया तो इतना दूर छूट गया होगा, कंप्लीट एटम ही नहीं डिफाइन कर पाऊंगा मैं, है कि नहीं? क्या मेरी बात आपको समझ में आई? इन वजहों से हम एटॉमिक वेट को डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं. तो अब हम करेंगे क्या, है ना? सो डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ एनी एटम इज इम्पॉसिबल. सो वी प्रेफर, अब हम प्रेफर करेंगे रिलेटिव मेजरमेंट. कौन सा मेजरमेंट बाबू? रिलेटिव मेजरमेंट. रिलेटिव मेजरमेंट का मतलब किसी एक स्टैंडर्ड को चुन लेंगे हम. जैसे मैंने अभी कहा कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ लेकिन विराट कोहली से भी अच्छा, तो आपको समझ में आ गया कि सर इज जोकिंग, है ना? क्योंकि विराट कोहली आपके नज़र में स्टैंडर्ड है, आप जान रहे हैं उसे कि वो कितना अच्छा खेलता है कि नहीं? तो आपको समझ में आ गया कि सर बहुत ही झूठ बोल रहे हैं. लेकिन अगर मैं ये बोलूँ मैं क्रिकेट अच्छा खेलता हूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है? सो वी प्रेफर रिलेटिव मेजरमेंट, यानी कि रिलेटिव मेजरमेंट करेंगे. अब हम ये करेंगे कि हम उसी में से किसी एक एलिमेंट को चुन लेंगे और दूसरे एलिमेंट के रेस्पेक्ट में उसे मेजर करेंगे, और हम देखेंगे कि ये एटम इस एटम से कितना टाइम भारी है, कितना टाइम हल्का है, ये देखेंगे हम. क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? क्या मेरी बात आपको समझ में आई, है ना? तो हमें सबसे पहले किसी स्टैंडर्ड को चुनना पड़ेगा. तो हम चुनेंगे, पहले आप नोट कर लो, किसी भी एटम में तीन पार्ट्स होते हैं, है ना? लेकिन हम लोग उसे दो पार्ट में करेंगे. दो पार्ट कहने का मतलब एक स्टेशनरी होगा, दूसरा कैसा होगा? रिवॉल्विंग होगा, है ना? तो किसी भी एटम में दो पोर्शन हुआ, एक हुआ न्यूक्लियस और दूसरा हुआ रिवॉल्विंग वाला इलेक्ट्रॉन. मैं क्या कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन का कोई सेप ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्टली कुछ है ही नहीं. इलेक्ट्रॉन्स इस यहाँ पे एग्जिस्ट ऐसा इस सर्कुलर फॉर्म में नहीं कर रहा होगा, वो इस तरीके से कर रहा होगा. तो एग्जैक्ट आप रेडियस डिटरमाइन कर सकते हैं क्या एटम का? जब आप एग्जैक्ट एटम ही नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं तो एटम का मास कहाँ से डिटरमाइन करिएगा? तो रिलेटिव दो तरीके की मेजरमेंट होती है. एक होता है एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट का मतलब हुआ मैंने उसको उठाया और बटखरा पे पकड़ के तौल दिया, तो ये पॉसिबल नहीं है. तो दूसरा तरीका क्या करेंगे हम? रिलेटिव मेजरमेंट का लेंगे. रिलेटिव मेजरमेंट में क्या करेंगे हम? किसी स्टैंडर्ड को चुन लेंगे और उसके रेस्पेक्ट में किसी और का मेजरमेंट हम करेंगे, है ना? इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, बहुत पहले जब खोज नहीं हुई थी नाप तौल के किसी सिस्टम की, तो लोग कैसे करते थे कि मान लीजिए कि कपड़ा लेने गए वो, तो कपड़ा मिलता था बित्ता के हिसाब से. बित्ता समझते हो ना, पाम साइज के हिसाब से. तो एक पाम साइज इज इक्वल टू 10 रुपया मान लो, फॉर एन इंस्टेंस. तो अब तो धोखाधड़ी हो जाएगा. धोखाधड़ी कि हम जब कपड़ा लेने जाएंगे तो हम एक लंबे चौड़े आदमी को चुन के लेकर जाएंगे, चल भाई, है ना? बोले का है, बित्ता बड़ा होगा उसका, है ना? अच्छा अगर किसी का छोटा हाइट है तो उसके साथ तो धोखा हो गया. वो बेचारा सोच रहा था एक बित्ता मतलब देश, और उसको तो एक बित्ता मतलब देश चिपका दिया तुम, है ना? तो उल्लू बन गया. तो इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए ही हमारी गवर्नमेंट ने, साइंटिस्ट लोगों ने कहा भैया ये सब टेंशन ना पाले, आज के बाद इतना डिस्टेंस को 1 मीटर कहेंगे. एक स्टैंडर्ड ले लिया गया और इसी स्टैंडर्ड स्केल को पूरे देश में बांट दिया गया. भारत में भी दिल्ली के म्यूजियम में रखा हुआ है. जैसे 1 किलो
इस बात को आप ऐसे ही समझ सकते हैं, कभी आप सब्जी वगैरह लाने गए होंगे तो देखे होंगे बटखारा के जगह पे वो ईटा पत्थर रख लेता है। वो एग्जैक्ट मेजरमेंट थोड़ी है, उसने क्या करा, एक साइड 1 किलो का बटखारा रखा और दूसरी तरफ ईटा रखा और दोनों को मिला लिया, बोला आज के बाद यही हमारा 1 किलो है कि नहीं। लेकिन एक्चुअली में 1 किलो डिफाइन करने के लिए प्लैटिनम और इरिडियम का वॉल्यूम लिया गया, बोला गया कि इतना वॉल्यूम प्लैटिनम और इरिडियम का, इसका जितना वजन होगा ना इसी को हम लोग बोलेंगे 1 किलो, है ना। प्लैटिनम का इसलिए बनाया गया, मान लीजिए आयरन का बनाते 20 साल बाद जंग लग जाता, भार कम जाता, तो पूरे देश में पूरे विश्व में 100-100 ग्राम सबको कम मिलता, है ना। तो प्लैटिनम में जंग लगना मुश्किल है, इसीलिए प्लैटिनम और इरिडियम का बनाया गया। अब इस सैंपल को रख दिया गया कहीं पे अच्छे जगह पे विश्व में, और सबको इस सैंपल को एक तरफ रखा गया, वेइंग स्केल पे दूसरा 1 किलो का लिया गया और इसी सैंपल के बराबर में तौल तौल के सबके देश में दे दिया गया, पकड़िए आप भी रखिए, आप भी रखिए, आप भी रखिए। तो आज के बाद वेट इक्वल हो गया ना, मेरी बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो ये स्टैंडर्ड कंपैरिजन हुआ, किसी और के रिस्पेक्ट में किया ना हमने। फिक्स तो प्लैटिनम और इरिडियम वाला है ना, यानी एब्सोल्यूट मेजरमेंट किसका हुआ था, प्लैटिनम और इरिडियम वाले का। बाकी सब तो स्टैंडर्ड कॉपी कर रहे हैं, जितना प्लैटिनम और इरिडियम लिया गया उसी को इतना इधर तौल दिया गया कि आज के बाद हमारा 1 किलो ये, और उसी का सस्ता वर्जन वो सब्जी वाला कर रहा है ईटा लेके, है ना। अब वो हो सकता है कि 1 किलो की जगह 950 ग्राम का फायदा, है ना। बहुत सारा ये है। तो इसीलिए एटम में भी एटॉमिक मास मेजर करने के लिए हमें एक रिलेटिव एटम की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। सबसे पहले लिया गया था हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन के साथ प्रॉब्लम ये था कि ये इजिली अवेलेबल नहीं था, है ना। तो बाद में लिया गया ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के साथ प्रॉब्लम ये था कि चीज़ें आ रही थी फ्रैक्शन में, अब फ्रैक्शन में आने से क्या दिक्कत आएगा वो मैं आपको बताता हूँ, पहले आप इसे नोट कर लें। हो गया, ये तो हो गया होगा ना, अब समझ में आया, और कोई डाउट किसी को, हो गया। एक बात और यहीं पे लिख लेंगे, एटम इज वेरी वेरी स्मॉल, हेंस एब्सोल्यूट मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल। अब ये बेचारा इतना छोटा है कि हम इसका एब्सोल्यूट मेजरमेंट कर ही नहीं सकते, क्योंकि एब्सोल्यूट मेजरमेंट के लिए उठा के पकड़ के लाना पड़ेगा तराजू पे। हो गया, बढ़िया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट मेजरमेंट या एब्सोल्यूट मेजरमेंट हम कर नहीं सकते, तो अब हम कौन सा मेजरमेंट पे आ गए, रिलेटिव मेजरमेंट पे। यानी कि एटम का मास हम जो भी मेजर करेंगे वो किस में करेंगे, रिलेटिव टर्म में। तो इसीलिए एटॉमिक मास को हम किससे डिनोट कर देते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास से भी, है ना। तो आइए अब समझते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास का मिलिए सबसे पहले हमें एक स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा, है ना। सो वी नीड ए स्टैंडर्ड फर्स्ट, ए स्टैंडर्ड फर्स्ट फॉर दिस पर्पस, फॉर दिस पर्पस इनिशियली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वाज चूजन। लिया गया था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को, बाद में हटा दिया गया, है ना। तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे लिख दिया आपको कि थोड़ा याद रहे, ऑक्सीजन वाज चूजन। लेटर ऑन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज रिमूव्ड ड्यू टू, पहला इजी इन अवेलेबिलिटी, आसानी से उपलब्धता के आधार पर इन्हें हटा दिया गया। दूसरा एटॉमिक मास कम्स इनटू फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन में होने की वजह से समस्या ये थी कि डाटा ज़्यादा याद करना पड़ता, तो ये भी एक दिक्कत की बात थी। तो भाई साहब हमने एक नया स्टैंडर्ड चुना, और अब किसको चुना, C12 कार्बन 12 को। सो वी हैव चूजन अ न्यू स्टैंडर्ड, ए न्यू स्टैंडर्ड C12 एटम। बोलो समझ में आया, मतलब एटॉमिक मास में स्टैंडर्ड चुनने के लिए दो क्राइटेरिया था, एक तो आसानी से उपलब्ध हो जाए, हाइड्रोजन बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं है तो ऑक्सीजन को लिया गया, और दूसरा कि भैया एटॉमिक मास जो आए वो फ्रैक्शन में नहीं आए, है ना। हो गया, वो C12 एटम नहीं, वो C12 कार्बन के मल्टीपल्स ऑफ आइसोटोप्स हैं। मैंने आपको कल बताया था कार्बन के यूजुअली 15 आइसोटोप होते हैं, तो 12 वाला को लिए हैं कि 14 वाला को लिए हैं, लिखना पड़ेगा ना, तो 12 वाला को लिए।
अब लेने से फायदा, कार्बन बहुत आसानी से उपलब्ध है, नहीं भी कुछ तो कोयले से तोल दिया है ना, ठीक है, कार्बन तो सब जगह है, तो ये फायदा है। अब जरा समझेंगे, मामला अभी भी जम नहीं रहा था। अब जरा अगर हम डिसाइड करें कि एटॉमिक मास को या रिलेटिव एटॉमिक मास को कैसे डिफाइन करेंगे, तो एटॉमिक मास इज अ रिलेटिव नंबर, ये एक नंबर ही तो है, एटॉमिक मास इज अ नंबर जो बता रहा होगा, विच टेल्स हाउ मेनी टाइम्स एन एटम इज हेवियर देन 1/12 मास ऑफ C12 एटम। मैं बता रहा हूं मैंने क्या लिखा है। जैसे देखिए, अगर मैं कहूं कि भाई साहब एटॉमिक मास बताइए मुझे सोडियम का, किसका, तो कितना बोलेंगे, 23, वो तो एटॉमिक नंबर है ना, 11 है ना, 23 AMU, यानी कि 23 टाइम्स हमने 1/12 मास ऑफ C12 जानबूझकर लिया। हमने कहा कि भाई साहब कुछ भी लेंगे तो फ्रैक्शन आ रहा है, तो कार्बन 12 का मास हमें आइडिया था कि 12 होगा, तो हमने कहा लो 1/12 × 12 कट के, तो फ्रैक्शन तो अब आ ही नहीं सकता, फ्रैक्शन का तो समस्या ही हटा दिया हमने, है ना। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23 × 1/12 मास ऑफ C12 एटम, बोलो हाँ या ना, है ना। अब अगर कोई पूछे कि बताइए एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बोलेंगे, 16 क्योंकि कंपैरिजन है, हम इसी से कर रहे हैं ना, हमने एक तरफ रखा है 1/12 मास ऑफ C12 और एक तरफ दूसरा एटम रखा है और कंपैरिजन कर रहे हैं, अच्छा 4 times भारी है, अच्छा 6 times भारी है, अच्छा 10 times भारी है, क्या ये बात समझ में आ रही है, है ना। यही तो लिखा हूं, एटॉमिक मास इज अ नंबर विच टेल्स हाउ मेनी टाइम्स एन एटम हेवियर देन 1/12 मास ऑफ C12 एटम, समझ में आया। तो अगर कोई कहे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो मैं क्या लिखूंगा, 16 × 1/12 मास ऑफ C12 एटम। अगर मुझसे कोई पूछे कि सर एटॉमिक मास ऑफ हीलियम बताइए, तो क्या कहूंगा, 4 × 2 एटॉमिक नंबर होता है, 4 होता है एटॉमिक मास, 4 × 1/12। अब एक चीज आपको दिख रही होगी और वो काफी दर्दनाक भी लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा सर ऐसा क्यों, बार बार एक ही चीज रिपीट हो रहा है, और वो है ये रिपीट हो रहा है ना बार बार, और अब ये बार बार प्रॉब्लम आ रहा था कि एक ही चीज बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं आप। तो हमने कहा लेट्स डिफाइन अ न्यू टर्म, हमने कहा इतना बड़ा मत लिखिए, आज के बाद से हम AMU कहेंगे इसे, क्या कहेंगे, AMU, और हम कहेंगे भाई साहब AMU किसको मान लेंगे हम। अब चीजें कितनी आसान हो गई, अब अगर कोई हमसे पूछेगा कि सर बताइए मास ऑफ सोडियम एटॉमिक मास, तो मैं क्या लिखूंगा, पहले मुझे लिखना पड़ता था 1/12 मास ऑफ C12 एटम, अब इतना का झंझट खत्म, और मैं लिखूंगा इसे, समझ में आ गया। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, बिल्कुल सही, तो आप कहेंगे, अब यहां पे सवाल, तो सर 1 AMU क्या है, 1 AMU का मतलब 1/12 मास ऑफ, बिल्कुल सही, क्या आपको मेरी बातें समझ में आ गई, है ना। चलिए तो नोट करिए, फिर आगे बढ़ते, लिख लिए, बड़े आगे। अभी भी एक समस्या रह गई हमारी, और वो है हमें अभी तक ये मालूम नहीं चला है कि नहीं। अगर ये मालूम चल जाएगा तो AMU का एग्जैक्ट वैल्यू मालूम चल जाएगा, है कि नहीं। तो पहले तो हम नहीं मालूम था, बाद में लोगों को मालूम चला विथ द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, विथ द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी
बाय यूजिंग, केमिस्ट्री में एक ब्रांच होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका काम है दुनिया की सारी सूक्ष्मतम माइक्रो पार्टिकल्स की चीज़ों को निकालते रहना, है ना। तो बाय यूजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी ये पाया गया कि मास ऑफ C12 एटम इज इक्वल टू 1.99 × 10⁻¹⁰ ग्राम, यानी कि 1 AMU का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/12 × 1.99 × 10⁻²⁰¹⁰ ग्राम, यानी कि जब आप इसे कट्टम कुट्टी करेंगे तो ये आएगा 1.66 × 10⁻²⁰¹⁴ ग्राम, है ना। यानी कि आज के बाद अगर हमसे कोई पूछे AMU में कितना वैल्यू होता है, तो मैं लिखूंगा 1.66 × 10⁻²⁰¹⁴ ग्राम। और होना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि एटॉमिक मास यूनिट में एटम का मास आप मेजर कर रहे हैं और एटम बहुत ही हल्का, तो 10⁻²⁴ मतलब समझ रहे हो कितना हल्का होगा वो। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? क्या आप इस ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर सकते हैं? कितना आएगा वैल्यू, 10⁻²⁷, इसमें 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलोग्राम में चेंज हो जाएगा, है ना। अब पॉइंट ऑफ डिफरेंस समझिएगा, पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है कि अब अगर कोई हमसे कहे कि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन बताएं जरा, तो क्या कहूँगा, 16 AMU। और अगर वो कहे ग्राम में बताइए तो क्या करूँगा, 16 × 1.66 × 10⁻²⁰¹⁴ ग्राम। क्या ये बात समझ में आई, है ना। तो अगर मैं कॉलम बना देता हूँ एक, और इस तरफ मैं लिख देता हूँ एटम, एटम और एटॉमिक मास, तो बताएं जरा हीलियम का AMU, और इसे ग्राम में कैसे लिखूंगा, 4 × 1.66 × 24, और इसे 16 AMU, और इसे फिर क्या लिखूंगा, 24 ग्राम, फिर इसे भी लिखूंगा 23 AMU, और इसे लिखूंगा 23 × 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम, और इसे लिखूंगा 19 AMU, विच मीन्स 19 × 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम, और इसको लिखूंगा 40 AMU, और इसका मतलब 40 × 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम। चले गए थे देखो हमारे साथ अभी भी थोड़ा सा गेम हो गया, वो ये कि 1 AMU का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है जब तक हमें मास ऑफ C12 नहीं मिले, तो पहले ये निकालना मुश्किल था। फिर केमिस्ट्री में एक ब्रांच आती है स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसका काम ही है माइक्रोस्कोपिक चीज़ों के बारे में स्टडी करना, उससे हमें मालूम चल गया कि मास ऑफ C12 एटम होगा 1.99 × 10⁻²³ ग्राम, और हमने वहाँ पे वैल्यू पुट करके 1 AMU का वैल्यू निकाल लिया। तो आज के बाद 1 AMU को हम इतने ग्राम से रिप्लेस कर सकते हैं, इस ग्राम को किलोग्राम में फिर चेंज कर दिया, करे चेंज हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए ये काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं, अगर एक बार आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा ना, चीज़ें आप दिमाग में एकदम सेट कर लें। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आप लोग 11th के हैं तो थोड़ा आइडिया कम होता है। 5 चीज़ें केमिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा। अगर एक बार आपका मोल कंसेप्ट खराब हो गया तो पूरी फिजिकल डूब गई आपकी, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री समाप्त है, है ना, ख़त्म। तो मोल कंसेप्ट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि आपका फिजिकल केमिस्ट्री पे पकड़ हो सके, ठीक। अब उसके बाद आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब बेस है ये, होना तो सब अच्छा चाहिए, फिर पीरियोडिक टेबल और फिर केमिकल बॉन्डिंग। अगर ये 3 आपका अच्छा है तभी आपको दुनिया का कोई भी केमिस्ट्री का चैप्टर समझ में आएगा, एल्सवाइज पत्ता गुल। कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी सर पटक लें, इन 3 के बिना नहीं आ पाएगा, ठीक है।
इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण जो मैं बोलता हूँ वो है रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। आगे चल के आपको मालूम चलेगा कि रेडॉक्स रिएक्शन अगर किसी का अच्छा नहीं है ना तो उसको इनऑर्गेनिक में रटना ही रटना पड़ेगा, और अगर रेडॉक्स रिएक्शन अच्छा है तो इनऑर्गेनिक में रटने की ज़रूरत नहीं आएगी। अगर मुझे ऐसा मौका मिला इनऑर्गेनिक पढ़ाने का, जैसा कि मिलेगा ही, तो मैं आपको दिखाऊंगा इनऑर्गेनिक में भी 70-80% चीज़ें समझने की हैं। 20% डाटा है कि इसका वैल्यू इतना होता है तो होता है, उसमें कुछ नहीं कर सकते, कोई दिमाग नहीं लगा सकते सिवाय इसके कि वो आपको रटना ही होगा कि ये ऐसा होता है तो होता है। क्या बाबू, ठीक है, ये 5 एकदम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये 5 आपके अगर अच्छे हो गए ना तो फिर आपको 12th आप अगर चाहें, जैसे मान लें कि नहीं हमको चेक करना है या जो भी है, 12th का कोई सा भी चैप्टर उठाइए पढ़ना चालू कर दीजिए, समझ में आ जाएगा। और ये 3 खराब है तो ऑर्गेनिक खराब नहीं महा खराब हो जाएगी, है ना, समझ में ही नहीं आएगा। आप पूछिएगा 12th में ना बच्चों लोगों का सबसे ज़्यादा दर्द ऑर्गेनिक में ही रहता है, क्योंकि 11th में वो जैसे तैसे भाग जाते हैं इन तीनों को छोड़ छाड़ के, और ये तीनों पूरी पुराना बोलता है कहाँ गए थे उस टाइम, आओ याद दिलाते हैं, उस टाइम तो हमारी कद्र नहीं की तुमने। तो 2 उपाय हैं, या तो आप समय के साथ सुधर जाएं, और नहीं तो समय सुधार देगा, लेकिन जो समय जो सुधारेगा ना वो बहुत पेनफुल होता है, है ना। तो उससे पहले कि समय आपको सुधारे आप खुद ही सुधर जाइए। बिल्कुल हो गया, नोट कर लिए थे ये, आगे बढ़े हम। इसका मतलब कि अगर कोई हमसे पूछे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एएमयू, सो इट इज़ अ मेजरिंग यूनिट, ये यूनिट ही तो है ना, एंड 1 एएमयू इज इक्वल टू 1.66 इनटू 27। क्या आपको ये डिजिट कुछ देखा देखा लग रहा है, कहाँ देखे थे? अरे नहीं रे, जरा कॉपी पलटिए और मास ऑफ प्रोटॉन देखिए कितना आ रहा है। क्या इसमें और इसमें कुछ फर्क है क्या? हम मतलब इग्नोर मार देते हैं। फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन भी देख लीजिए, अब कुछ चमका आपको, यानी कि भाई साहब 1 AMU इज द मास ऑफ प्रोटॉन एंड अल्सो मास ऑफ, याद है एटॉमिक मास में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको आगे प्रूफ कर दूंगा कि मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1 AMU, है ना, कर दिया। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप देखेंगे कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10^-27 kg, ये पूरा आता है बाबू इसके बराबर, 1/NA के बराबर। बता रहा हूँ, NA है एक नंबर और जिसे हम कहते हैं प्यार से एवोगाड्रोज़ नंबर, एवोगाड्रो नंबर, है ना, और ये बराबर होता है 6.023 इंटू 10^23। इसको किलोग्राम में नहीं ग्राम में ही रहने देंगे, 1.66 इंटू 10^24 इज इक्वल टू 1/NA, और NA का मतलब क्या हुआ, एवोगाड्रो नंबर, मतलब 1 AMU को हम चाहेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं जरा बताएं, 1 AMU इज इक्वल टू 1/NA ग्राम, ये ग्राम ही तो है ना। मेरा कहने का मतलब जरा फिर से समझिएगा, मैं बस समझा रहा हूँ, देखिए दिस मच इज इक्वल टू दिस, यानी कि अगर आप 1/6.023 इंटू 10^23 करते हैं तो कितना आएगा, 1.66 इंटू 10^-24 ग्राम में। तो यानी कि मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं ना, मैं 1 AMU को लिख सकता हूं ना 1/NA इंटू ग्राम, इसके जगह पे 1/NA लिख के। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? तो अब आप याद रखेंगे, अब आप याद रखिएगा, NA इंटू AMU इज इक्वल टू ग्राम। इसका इस्तेमाल कैसे होगा मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई वैल्यू AMU में दिया हुआ है और उसमें आप एवोगाड्रो नंबर गुना कर दे तो वो वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी, बात समझ में आई? और अगर कोई वैल्यू ग्राम में दिया हुआ है और आपको बोला जाए कि उसको AMU में चेंज करिए तो कितना से डिवाइड करना होगा, NA से, NA से डिवाइड कर देंगे, बात समझ में आई?
है ना। तो हमारा मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट फार्मूला आ गया, यहाँ से नोट करना था। ओके हो गया। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है और आप इसको ऐसे ही याद रखिएगा, है ना, इस सीक्वेंस में ही याद रखिएगा कि जो छोटा वाला यूनिट था AMU, उसमें गुना कर देंगे अवोगाड्रो नंबर से तो वो चेंज हो जाएगा ग्राम में। क्लियर है? चलिए तो आज यहीं तक रहने देते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है तो पहले पूछ लीजिए, फिर रिवाइज करेंगे, फिर छोड़ देंगे आपको 5 मिनट में। कोई डाउट?